तो क्या सर, आप सबको लिखने का तो बहुत शौक है, मुझे पता है आपको लिखने का शौक है, तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हो। लिखना अगर आपको अच्छी तरीके से आता है, और यहाँ पे देखो आपको सिर्फ टाइटल लिखना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरी रामायण लिखनी है, नहीं, फिर अगर आपको पूरी रामायण ही लिखनी होगी तो फिर मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, वो तो आप खुद से कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको वो टाइटल सोचना है कि यार अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ तो इसका क्या टाइटल होना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर मैं लिखना चाहता हूं। अगर आपको ये पता लग जाए, अगर आपको ये पता है, तो समझ लीजिए कि फिर आप बहुत सारा पैसा घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो यहां से बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं। हालांकि इस वेबसाइट के बारे में लोगों को कम पता है, लेकिन जो भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं ना, अच्छा खासा पैसा यहां से अर्न कर रहे हैं। यहां पर जो ये वेबसाइट है, अब मैं बात कर रहा था सबसे पहले पैसों की यार, क्योंकि देखो लास्ट में तो हमें पैसा ही कमाना है। हम ये वीडियो भी देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें काम करना है और उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि यूट्यूब पे हम वीडियोस तो बहुत सारी देख लेते हैं, जब अप्लाई करने का मौका आता है तो फिर हम सोचते हैं कि यार बहुत लंबा प्रोसीजर है, कौन करे इस पे अप्लाई। आधे लोग तो वैसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो करते हैं लेकिन वहां पर उनका जो प्रोसीजर होता है इस तरह का होता है कि वो टाइम नहीं देते, फिर उसको भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग कंप्लीट तो करते हैं लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर पूरा नहीं करते। तो आप लोगों को यार देखो कोशिश तो करनी पड़ेगी, ध्यान से वीडियो को देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि वीडियो को जैसे ही मैंने वेबसाइट का नाम बताया सीधे वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने पहुंच जाते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, इसकी वजह से उनका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता है, वो आगे अप्रूव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपने वो ध्यान ही नहीं दिया जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, वो सारी बातें आप स्किप कर देते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं वेबसाइट पर। तो यार ये नहीं करना, इससे देखो आपको नुकसान होता है, क्योंकि वीडियो तो देखो आप 5 मिनट और देख लेते तो आपका फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती। फिर उसके बाद आप कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमने ये तो कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा आगे, क्योंकि आप वीडियो तो देखते नहीं तो आपको पता नहीं लगता कि उसके बाद मैंने क्या बताया। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखो, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर ना तो आपको कमेंट्स करना पड़ेगा ना फिर आपसे कहीं गलती होगी, और आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन वहां पे अप्रूव हो जाए। अब यहाँ पे जो आपको लिखने का काम है, देखो सिंपल सा बताऊं तो सिर्फ टाइटल लिखना है, उसके बाद जो भी मटेरियल आएगा उसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे काम होने वाला है। और कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने चैट जीपीटी का यूज करा और वहां पे जो आ गया उसको कॉपी करके सीधे उठा के भेज दिया और कह दिया जी मेरा काम खत्म, लाओ जी पैसा, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो फिर कोई भी कर लेगा। यहाँ पे आपको वो तरीका समझना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि चैट जीपीटी का यूज मत कीजिए, कीजिए, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो सबसे मेन है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कोई भी पहचान जाएगा कि आपने ये चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ है, क्योंकि वो होता है जो लिखा हुआ होता है वो होता है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी चीजें लिखता है, तो वो एल्गोरिथम पहचान जाता है कि आपने ये कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने जो वो मटेरियल है, वो जो आपका टेक्स्ट है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है ह्यूमन राइटिंग के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि यार वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से अगर आपने देख लिया तो पैसा ही पैसा है। अब यहाँ पे पैसा कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कंपनी कहती है कि अगर आप एक पूरी पोएट्री लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग लगभग $300 मिलते हैं। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग ₹25,000 मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे ये कंडीशन रखी गई है कि कम से कम आपको 10 पेजेस लिखने हैं, तो 10 पेजेस का आपको यहाँ पर ₹25,000 मिल रहा है गाइस, अनबिलीवेबल है। आपको अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि सबसे जो खास बात है यहाँ पे, ना तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, ना यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अमाउंट है, ना यहाँ पे आपको कोई पैसा देना है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% ऑथेंटिक, 100% जेन्युइन। और ये वेबसाइट भी कोई अब की वेबसाइट नहीं है, लगभग 20-21 साल पुरानी ये वेबसाइट है, तो हर चीज इसकी पॉजिटिव है। बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे आपको काम करना है, और वही मैं यहाँ पे आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। बिना टाइम वेस्ट के हम लैपटॉप के स्क्रीन पर चलें। उससे पहले यूट्यूब पे आप वीडियोज तो देख रहे हो लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बना नहीं रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो यार? यूट्यूब पे वीडियो बनाओ भाई, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, आपको यूट्यूब पे वीडियोज बनाकर पैसा कमाना है। टेंशन है नहीं पता तो मैं हूं ना आपके हेल्प के लिए, मैंने एक चैनल शुरू किया है टिप्स विद बिस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वहां पे वीडियोस हैं, देखो समझो, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से चैनल बनाना है, कैसे ग्रो करना है। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, कोई भी परेशानी हो यूट्यूब से रिलेटेड तो आपकी हेल्प हमेशा करूंगा, आपके चैनल को भी प्रमोट करूंगा जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, रोज वीडियो डाल रहे हैं।
उनको मैं सपोर्ट करूंगा। तो आपको देरी नहीं करनी है, अभी से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहां पर कमेंट जरूर करना है। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं जॉब के ऊपर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज 100 रुपए कमाने, थंबनेल में आपने देखा है 100 रुपए डेली कमाने, ये देखो 100 का नोट है। अब 100 रुपए रोज कमाने का आपके पास मौका है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है, 1 मिनट से भी कम की ये वीडियो होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर डेली आपको 100 रुपए आप जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, यहाँ पे गिव अवे हो रहा है रोज 100 रुपए का, तो आप भी विनर बन सकते हैं। विनर बनना बहुत ईजी है, बस जो मेरी वीडियोस आएंगी यानी कि इसी चैनल पर जो मेरी वीडियोस आती हैं उन वीडियोस को आपको देखना है। देखने के बाद आपको उससे रिलेटेड एक कमेंट्स करना है, पॉजिटिव कमेंट्स। वीडियो को लाइक करना है, पॉजिटिव कमेंट्स करना है। जिसका सबसे बढ़िया कमेंट्स होगा मैं उसको ऐप के थ्रू विनर वहां से अनाउंस होगा, और उस एक विनर को 100 रुपये मिलेंगे कैश, और ये डेली चलेगा। तो डेली आपके पास मौका है बिना कुछ करे सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद कमेंट्स कर 100 रुपये जीतने का। तो आपको पीछे नहीं रहना है। वीडियो में ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताता हूँ, उस पर तो अप्लाई करना ही करना है, साथ ही साथ गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, जो डेली 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो सोच के आ रहे हो यार 100 रुपये कमा रहे हैं ना बिना कुछ करे, तो अभी से अभी वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स की भरमार करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अगले विनर आप हो सकते हैं। और ये वीडियो में आपको करना ही है, हर वीडियो में करना है, जिससे कि आप हर दिन वीडियो यहाँ पर 100 रुपए का कैश जीत सके। थैंक यू गाइज। तो गाइज देखिए अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो देखिए मैं जब भी किसी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि उस पे आपका स्कैम एडवाइजर पे वो वेबसाइट कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। क्योंकि जब तक आप ये ना जान लें कि किसी वेबसाइट पे स्कैम तो नहीं है, तब तक आप उस वेबसाइट पे काम नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया है स्कैम एडवाइजर पे, और यहाँ पे आप ट्रस्ट स्कोर देखिए 100 में से आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 100 इसको रेटिंग मिली हुई है। अब इस वेबसाइट्स का नाम यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन हो रहा होगा, poetryfoundation.org। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी पॉजिटिव हाइलाइट्स आप यहाँ पे चेक कीजिए, और सिर्फ एक नेगेटिव हाइलाइट्स है। तो यहाँ पे सारी चीजें इनकी पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखिए टोटल रिव्यूज 4 मिले हुए हैं, एवरेज स्कोर उनको 4.8 का मिला हुआ है। अब देखिए कोई भी वेबसाइट, जब हम किसी भी वेबसाइट के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम ये भी चेक करते हैं कि आखिर ये वेबसाइट कितने साल पुरानी है, क्योंकि अगर रिसेंटली वेबसाइट होगी तो हो सकता है कि उस पर स्कैम होने के चांसेस हों। पर यहाँ पर जैसे मैं इस वेबसाइट को मैंने चेक किया है, और आपको भी यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ कि ये वेबसाइट यहाँ पे आप देखिए 21 साल पुरानी है, यानी कि अब तक इसको 21 साल हो चुके हैं और ये 21 सालों से काम कर रही है। तो इसका मतलब कि इनका ट्रस्ट स्कोर बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी है, 100% जेन्युइन ये वेबसाइट होने वाली है। अब इस वेबसाइट पे आपको क्या काम करना है वो मैं अभी आपको हाईलाइट दिखा चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक पोएट्री फाउंडेशन की वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पर पोएट्री आपको लिखनी होती है। अब देखिए पोएट्री जो होती है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब मैं बिना देरी के सबसे पहले बताता हूँ कि इसको आपको आखिर ओपन कैसे करना है। अब इसके देखिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, अपने गूगल क्रोम पे जाना है अपने ब्राउजर पर, तो आपको यहाँ पे लिखना है POTERY पोएट्री फाउंडेशन और एंटर मार देना है। जैसे आप पोएट्री फाउंडेशन लिखेंगे, स्पेलिंग देख लीजिए POETRY पोएट्री फाउंडेशन, तो आपके सामने सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। अब आप यहाँ पे इस वेबसाइट पर चेक करेंगे कि शेडो आउट ऑफ कलर कितने सारे यहाँ पे देखिए आपको पोट्री मिलेंगी। ये सारी देखिए पोट्रीज हैं, आप यहाँ पे देखिए पोट्रीज की यहाँ पे भरमार है। एडिटर्स नोट है, पोस्ट स्क्रिप्ट है, चाइन शो है, चेन शो है, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपको पोट्रीज मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपका काम क्या है, देखिए यहाँ पर जो पोट्रीज होती हैं वो आपको लिखनी होती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप खुद से लिखें तो आप गलतियाँ कर देंगे, तो आपको खुद से नहीं लिखना है। किस तरीके से लिखना है ये मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ताकि उस तरीके का यूज कर आपका यहाँ पर जो पोट्री है वो एक्सेप्ट हो जाए और आपको अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ से मिलनी शुरू हो जाए। अब देखिए इस पोट्री के बारे में सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर काम कैसे करना है, इसके लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे तो यहां पे आप चेक कीजिएगा, यहां पे एक लिखा हुआ है हाउ टू सबमिट, तो इस हाउ टू सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हाउ टू सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए सबमिशंस लिखा हुआ आ गया है,
और यहाँ पे लिखा है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, इसके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि आप पोट्री लिख सकते हैं इसलिए आप यहाँ तक आए हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको चेक कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपका जो रिस्पॉन्स है रिसीव नहीं होता तो आपको अपने स्पैम फिल्टर को भी चेक करना होता है ईमेल के। इस ईमेल एड्रेस से आपको रिस्पॉन्स आता है, वी कंसिडर ओनली प्रीवियसली अनपब्लिश्ड वर्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई पहले से वो पोयम लिखी है और आप उसको दोबारा से कॉपी कर पेस्ट कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अनपब्लिश्ड होनी चाहिए, यानी कि पहले से वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपकी एक्सेप्ट होगी। इसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पोस्ट या इट, जैसे ने बताया कि कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। यहां पे देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर यहां पे पैसा कितना हमें मिलेगा, क्योंकि मेन तो हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहां पे आप चेक करेंगे कि ऑल पोएट विल बी कंपनसेटेड फॉर पब्लिश्ड पोएम्स फॉर टेक्स्ट पोएम्स, यानी कि जो आप पोएम यहां पे लिख के देते हैं, यहां पे दो तरीके से होती है, एक आपका ऑडियो फॉर्म में होता है, एक वीडियो फॉर्म में होता है और एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्म की कर रहे हैं। तो यहां पे जो आप टेक्स्ट फॉर्म में लिख के देते हैं, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी पे $10 पर लाइन, यानी कि एक लाइन आप लिखेंगे तो $10 आपको मिलेंगे। अब ये $10 को अगर मैं इंडियन रुपीज में आपको देखें, यहां पर एक बार कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, डॉलर टू INR करता हूं मैं, और यहां पे देखिए $10 का मतलब ₹828 आपको एक लाइन के मिल रहे हैं। और जो ये मिनिमम आपका यहां पे अमाउंट बनता है एक पोयम का, वो बनता है $300 का। क्लियरली मेंशन है यहां पर, $300 आपको एक पोयम के मिलते हैं। अगर आप एक अच्छी सी पोयम लिखते हैं तो लगभग ₹25,000 आपको मिल जाते हैं गाइस सिर्फ एक पोयम के। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप यहां पे पोयम अच्छे तरीके से लिखते हैं तो यहां पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहां पर आपका जो पोयम है वो एक्सेप्ट हो जाए। अब इफ आप पीस इज पब्लिश इन मल्टीपल फॉर्मेट सच एज प्रिंट एंड वीडियो, वी पे फॉर ईच फॉर्मेट, अगर आप अलग अलग फॉर्मेट्स पे वो जो है पब्लिश होती है तो आपको हर फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग पैसा मिलता है फॉर पर्पज, जैसे आपको $150 पर पब्लिश्ड पेजेस के हिसाब से आपको $150 मिल जाते हैं। तो ये कुछ यहां पर है कि अर्निंग आपकी कितनी हो सकती है। अगर आप जब इसको सबमिट कर रहे हैं वहां पर कोई इशू आ रहा है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज रीच आउट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप इनको ईमेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वहां पे आपको अपना नाम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है तभी ये आपको रीच आउट कर पाएंगे। तो इस तरह का यहां पर है। अब यहां पर देखिए फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन लिखे हुए कि वेयर आई कैन सबमिट टू माई वर्क ऑन पोएट्री, हाउ डज पोएट्री पेज इट कंट्रीब्यूटर्स, वट राइट डज पोएट्री रिक्वायर्ड फॉर पब्लिश वर्क, वेयर कैन आई रीड बैक इश्यूज ऑफ पोएट्री। तो इनमें से आप चेक कर लीजिए कि अभी हमें सबसे पहला कि हमें आखिर पोयम कहां पे सबमिट करनी है। तो यहां पे लिखा हुआ है यूज सबमिटेबल टू रिसीव कंटेंट फॉर पोएट्री प्लीज विजिट, इस वाले पेज पे हमें विजिट करना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पेज पे क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए पोएट्री मैगजीन की पूरी डिटेल्स आ गई है, ग्रेटफुली लिखा हुआ है कौन कौन से हैं और हाउ टू सबमिट लिखा हुआ है। देखिए प्लीज सबमिट अप टू 4 poems, यानी कि आपको कम से कम 10 pages के 4 poems करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो लगभग 2 से 2.5 pages आपका एक पोएम का होना चाहिए तभी वो कंसीडर किया जाएगा इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से। आपको यहां पर फर्स्ट सेव योर पोएम एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट्स, जो आप पोएम लिखेंगे वो आपको कोशिश करनी है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में आपको दें, ये नहीं कि आपके हर पोएम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में हो, तो एक ही डॉक्यूमेंट्स में आपको वो सब सेव रखनी है। देन कंप्लीट द फॉर्म विथ यूर इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड यूर पोएम, बस सिंपल सा है। उसके बाद क्लिक सबमिट एंड यू विल रिसीव एन ईमेलिंग कन्फर्मिंग दैट वे रिसीव योर सबमिशन, जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपको एक मेल आएगी इनकी तरफ से कि आपका जो सबमिशन है हो चुका है। यू कैन चेक द स्टेटस योर सबमिशन बाय लॉगिंग इनटू योर सबमिटेड अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा उसमें आप चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है तो ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो पोर्ट्री का एक ऑप्शन मिल रहा है, गाइडलाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइंस दी गई हैं, सारी वही चीजें। अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब ये पोर्ट्री मैगजीन का ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि साइन अप और साइन इन, अब क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले हमको साइन अप करना है। अब वेलकम आ गया है, क्रिएट यूर फ्री सबमिटेबल अकाउंट,
अब आपको ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देकर साइन अप करना है। तो एक बार ये पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे कि यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्म भर दिया था और यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। ऊपर देखिए आप मनु बिष्ट मेरा नाम आ चुका है। आप पोएट्री मैगजीन यहाँ पे ऊपर हो चुकी है, पोएट्री क्या करा है वही सारी चीज यहाँ पे दी गई है। आप नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है अपना, सिटी लिखनी है, स्टेट लिखना है, स्टेट कौन सा है आपका, अगर आप आउटसाइड यूएस कनाडा से हैं तो यहाँ पे लिखना है, तो आपको इस वाले पहले वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले पे लिखना है। उसके बाद जिप कोड लिखना है आपका, फिर यहाँ पे कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर देके सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने वहां पे सबमिट करा, अब ये कह रहा है प्लीज वेरीफाई यूर ईमेल, टू कंप्लीट दिस फॉर्म प्लीज चेक यूर ईमेल एंड यूज लिंक प्रोवाइड टू वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस, तो दिस हेल्प्स कीप यूर अकाउंट सिक्योर। आपको जो ईमेल एड्रेस भेजा गया है वो आपको अब क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको अपने ईमेल एड्रेस पे जाना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मेल आ चुकी है, प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ये मेरा लिंक आ गया है, मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक करा, अब आ गया थैंक यू योर ईमेल इज वेरीफाइड, यानी कि हमारा ईमेल जो है अब वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें वापस अपने इस वाले पेज पे आ जाना है और ऑलरेडी वेरीफाइड बाय ईमेल रिफ्रेश द पेज और प्रोसीड टू द फॉर्म, तो आपको इस वाले प्रोसीड टू द फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आ गया है टाइटल, यानी कि आप जो यहाँ पर जो भी पोएट्री लिख रहे हैं उसका टाइटल लिखना है, कवर लेटर लिखना है यानी कि रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको लिखना है कवर लेटर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका प्रोनाउंस, यानी कि यहाँ भी आपको लिखना है ईमेल एड्रेस है, एंटर योर एड्रेस है, फिर एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, ये सारी चीज़ें भरकर आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटैच फाइल किस चीज़ की है, अपलोड अ फाइल, नो फाइल्स हैव बीन अटैच येट, यानी कि आपको यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी है जो आप लिखेंगे उसकी फाइल यहाँ पे आपको डालनी है, तो वो आपको सेव कर लेनी है, चाहे वो नोटपैड पे हो, चाहे वर्ड पेड पे हो, चाहे वो आपका किसी भी फॉर्मेट पे हो, उसको आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। लेकिन जो आपका फॉर्मेट होगा वो डॉक, डॉक एक्स, टी एक्स टी, आर टी एफ, डब्ल्यू पी एफ, पी डी एफ होना चाहिए। उसके बाद आई कन्फर्म दैट कि ये पहले से पब्लिश नहीं है, ये आपको क्लिक कर लेना है और आपको प्रिंट और ऑनलाइन के लिए करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एज इज यूर सबमिशन एक्सपेक्टेड टू अपेयर इन द फोर्थ कमिंग कलेक्शन और बुक, तो आपको यस कर देना है, क्योंकि अगर आपकी पोएम अच्छी होगी तो वो इनके जो कलेक्शन है नेक्स्ट टाइम का उसमें ये पब्लिश होगी। If you answered yes, अब वो प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द प्रेस एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन। इफ इज यूर सबमिशन एक्सपेक्ट टू अपेयर इन द फॉरथकमिंग कलेक्शन ऑफ बुक एक्सेप्ट रिक्वायर्ड, तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मेन जो आपका था वो था कि ये तो हो गया कि आप पूरा भर लेंगे, या आप बहुत ईजी है कि सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। कवर लेटर में भी आपको अपने बारे में लिख देना होता है, टाइटल आप एक अच्छा सा वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आ जाता है मेन कि हमें पोएट्री लिखनी कैसी है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। आपको सिंपली जेट चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि आप लव के ऊपर कोई पोएट्री लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे पी ओ टी ई आर वाई, पोएट्री अबाउट लव, एंटर मार देंगे तो चैट जीपीटी आपको लव के ऊपर एक पोएट्री यहाँ पे देखे लिख के देगा। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से तो कोई भी ये लिख सकता है तो सबका एक्सेप्ट कैसे होगा। देखिए अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी जो यहाँ पे आपको लिख के दे रहा है ये डायरेक्टली आप सबमिट में फाइल में कॉपी कर सबमिट करेंगे तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके पास भी एआई टूल्स होते हैं जो कि पहचान जाते हैं कि आपने ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाया है, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर इसको हम कन्वर्ट आखिर करें कैसे कि ये 100% ह्यूमन बीइंग बन जाए, ह्यूमन राइटिंग बन जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका आर्टिकल है, जैसे मेरा ये वाला आर्टिकल है, तो मैं इसको पहले जो मैं इसको लिखवाऊंगा चैट जीपीटी से, इसे मैं कॉपी करूंगा और आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे आना है, गूगल पे स्पिन बोट आपको लिखना है और एंटर मार देना है। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट आपकी आ जाएगी स्पिन बोट, उस पर आपको क्लिक करना है। अभी देखिए रीराइट लिखा हुआ है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको ये रीराइट करके लिखेगा, यानी कि उसको 100% पैरालिज्म फ्री कर देगा ये। तो यहाँ पे मैंने वो सारा पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बेसिक स्पिन का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको इस बेसिक स्पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही बेसिक स्पिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पहले जो इसका टेक्स्ट काउंट था वो था 1271, जो बढ़ के हो चुका है 1443, यानी कि इसने टेक्स्ट को चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका अब ये टेक्स्ट बढ़ चुका है। तो ये क्या हो गया है, अब सारा चेंज हो चुका है, यानी कि 100% ये ह्यूमन राइटिंग हो चुकी है। अब इसको कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये कहीं से कॉपी किया गया है। अब आप इसको कॉपी करना है और अपने उसी
यहां पर आना है अपने पेज पर और उसको फिर जहां पर ये फाइल के लिए अटैच बोल रहा है वहां पर आपको अटैच करनी है। अब जैसे कि मैं एक नोट्स ले लेता हूं और मैं इसको नोट्स में सेव कर लेता हूं। अब नोट्स में सेव करने के बाद वो नोट्स में यहां पर अटैच कर दूंगा, तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। जैसे कि मैं यहां पर न्यू नोट्स पर गया, मैंने यहां न्यू नोट्स में इसको कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने इसको यहां पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहां पर अटैच कर दूंगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ों पर क्लिक कर सबमिट कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ करना है। 100% यूनिक तभी होगा जब आप चैट जीपीटी से कॉपी करवाकर उसको स्पिन बोर्ड में प्लैगरिज्म फ्री कराएंगे, रीराइट करवाएंगे। तो आपको ये सारा कर देना है। उससे जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला, और ये 100% ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत सारा काम यहाँ पर पोर्ट्री का मिल सकता है। तो अभी से अभी है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने, अभी मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीजें डिटेल्स में बता सकूं। अब देखो यार, अप्लाई आपको यहाँ पे करना है, मैंने ऑलरेडी तरीका आपको बता दिया है, कैसे यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सिंपल सा आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद किस लॉजिक का यूज करना है, कौन सी वो वेबसाइट है जो आपको कन्वर्ट करके देती है, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको बहुत आराम से बताई ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। उसके बाद आपको वेट करना है, यहाँ पे नोट्स इनके पढ़ लेने हैं कि कितने टाइम बाद रिप्लाई आता है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। फिर आप कमेंट्स करो कि सर इसमें कब तक रिप्लाई आएगा, मैंने तो अप्लाई कर दिया कोई रिप्लाई नहीं आया, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको सारी चीज़ें पता लग पाएंगी। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अभी से अभी लिंक पर क्लिक कर अप्लाई जरूर कीजिए। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।